घड़ी। क्या पढ़ेंगे? घड़ी। आज हमारी कविता का जो शीर्षक है उसका क्या है? घड़ी। घड़ी सब लोग पहने हो, पहनते हो ना? यस। घड़ी पहना जाता है, एक तो हाथ वाली घड़ी होती है और एक दीवार वाली घड़ी होती है। वैसे आज के टाइम में तो घड़ी का महत्व ही खत्म हो गया जब से मोबाइल आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम चलो पुरानी चीजों को याद करके आज हम एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है? जब से मोबाइल आया घड़ी को नहीं लगाता ना, अब तो तमाम तरह के घड़ी डिजिटल डिजिटल सब आ गए हैं। अभी एनालॉग वाले जो सुइयां घूमती रहती थी, बहुत टिपिकल लगता था, वो सब तो दिख ही नहीं रहा ना। तो देखो कविता का शीर्षक है घड़ी, और घड़ी क्या कहती है? टिक टिक करना, सारे लोग बोलो टिक टिक करना, समय बताना, चलते रहना कुछ ना खाना, घड़ी से तुम सीखो बात, घड़ी से तुम सीखो बात, गया समय ना आए हाथ, गया समय ना आए हाथ, चाहे दिन हो चाहे शाम, चाहे दिन हो चाहे शाम, कर लो काम, कमाओ नाम, ठीक है? अब देखो घड़ी क्या कहती है? घड़ी हमेशा सुनते होगे ना, ऐसे कान के पास लगा के सुनना, कैसे करती है? टिक टिक करती है कि नहीं करती है? करती है। तो क्या कह रहा है? टिक टिक करना, समय बताना। टिक टिक करना, समय बताना। मतलब घड़ी जो होती है वो टिक टिक करके, जब उसे कान के पास लगा कर सुनोगे तो टिक टिक करके समय बताएगी आपको। क्या बताएगी? समय बताएगी। ठीक है। उसके बाद कहती है चलते रहना कुछ ना खाना। चलते रहना कुछ ना खाना। अब घड़ी देखते होगे 24 घंटे ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, लेकिन कहती है कि हमारे पांव दर्द कर रहे हैं, या कहती है हमारे हाथ दर्द कर रहे हैं? कहती है कभी? हम लोग तो थक जाते हैं, रात में सो जाते हैं ना, लेकिन रात में 12 बजे उठ के देखो तो घड़ी क्या करती रहती है? 12 बजे, 2 बजे, कभी भी किसी टाइम 24/7 या पूरे साल घड़ी कैसी होती है? चलती रहती, वो कभी रुकती नहीं है। तो कह रहे हैं चलते रहना कुछ ना खाना। अगर वो तुमको 2 दिन खाना ना दिया जाए तो क्या चल पाओगे? नो सर। ऐसे से चक्कर आने लगे, ओ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे करोगे ना, और मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन घड़ी कुछ भी नहीं मांगती खाने के लिए, वो हमेशा क्या करती है? चलती रहती है, ठीक है? अब कह रहा है घड़ी से तुम सीखो बात, ठीक है? गया समय ना आया हाथ, गया समय ना आया हाथ। जो घड़ी कह रही है, अब मान लो आज का कौन सा दिन था? शुक्रवार था, फ्राइडे था। अब हम पूछे हैं कि 2022 का, ठीक है, और क्या नाम है, जुलाई महीने का, ठीक है, शुक्रवार जो है दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, कल कौन सी तारीख थी? 15 तारीख थी। क्या 15 तारीख फिर 2022 के बाद आएगा? 15/07/2022 के अगले साल भी आएगा। अगर जो दिन आएगा तो तारीख बदल जाएगा, तारीख और दिन दोनों आ गया तो साल बदल जाएगा, 2022 लौट के नहीं आएगा ना। तो घड़ी क्या कह रही है कि जो हाथ से चला गया समय वो कभी लौट के नहीं आएगा। अब मान लो तुम 1 साल के थे जब गोदी में खेलते थे, ठीक है, तो सब लोग खिलाते थे घर पे बापू बापू करके, क्या अब भी खिलाते हैं? नौ साल। अब क्या करते हैं? डंडे से पीटते हैं और चटाक चटाक थप्पड़ मारते हैं ना। तो वो समय बीत गया तो वो लौट के आएगा? फिर मम्मी की गोदी में खेलोगे? नो सर। फिर जलवा झूलोगे? नहीं झूलोगे ना। तो जो समय बीत गया है वो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। चाहे दिन हो चाहे शाम, चाहे दिन हो चाहे शाम, कर लो काम, कमाओ नाम, कर लो काम, कमाओ नाम। कह रहा है कि समय मत देखो। तुम लोग कहते हो ना आज सुबह उठेंगे तब पढ़ेंगे, आज शाम को उठेंगे तब पढ़ेंगे, या 2 बजे के बाद पढ़ेंगे, या हम खेल के आएंगे तब पढ़ेंगे, या हम वहां से घूम के आएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन घड़ी क्या कहती है? घड़ी ये कहती है कि ये मत सोचो कि
कि ये सुबह का टाइम है, रात का टाइम है या शाम का टाइम है। ठीक है, हमेशा जो तुम्हारा अधूरा काम है पहले उसको पूरा करो। अभी हमारा काम क्या है? पढ़ना, एक स्वस्थ शरीर बनाना, पढ़ना, ठीक है, और अपने शरीर और मानसिक चीजों का विकास करना। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि मतलब चाहे दिन हो चाहे शाम, ठीक है, लेकिन कर लो काम कमाओ ना। जब पढ़े लिखे लोगे, ठीक है, बड़े बड़े सब लोग अधिकारी बन जाओगे तो क्या होगा? लेकिन जब आज पढ़े रहोगे तब ना अधिकारी बनोगे। तो इसीलिए कह रहा है कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, काम करने का कोई टाइम नहीं होता, किसी भी समय आप उठ के अपना काम कर सकते हो। तो इसीलिए कभी भी घड़ी की तरह चलते रहना चाहिए, बिना थके बिना रुके, ठीक है, बिना किसी के इंतजार किए हुए। तुम बताओ कितने लोग कि तुम्हारा 12 बजे का टाइम होता है कि हम 12 बजे काम करेंगे, तो क्या 12:01 होता है तो घड़ी तुम्हारे लिए रुकी रहती है? क्यों? घड़ी तो 12:02 बजा देगी, तुम चाहे करो चाहे ना करो। ठीक है, तो घड़ी से सीखना चाहिए कि हम किसी को देख के नहीं आगे बढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे और अपना पूरा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपसे क्या करोगे, घड़ी की तरह बनेंगे हम लोग। क्या बनेंगे? घड़ी की तरह। ठीक है,